मंदसौर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने 5 सूत्री मांगों को लेकर मंदसौर जिला अस्पताल के सीएमएचओ को दिया ज्ञापन। डेंगू ने खोली स्वास्थ्य सेवाओं की पोल, आयुष्मान का नहीं मिल रहा है लाभ। शहर ब्लॉक कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल सीएमएचओ से मिला, व्यवस्था सुधार या अन्यथा आंदोलन। मंदसौर जिले की स्वास्थ्य सेवाएं लगातार चरमरा गई है। मध्य प्रदेश में डेंगू के मामलों में मंदसौर जिला नंबर 1 पर बना हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा रोकथाम के लिए कदम नहीं उठाए जाने और पात्र नागरिकों को निजी चिकित्सालयों में आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलने और अन्य जनहितेशी मुद्दों को लेकर के शहर ब्लॉक कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी श्री KL राठौर से मिल स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने का आग्रह किया, अन्यथा आगामी दिनों में जनहित में आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान शहर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा मांग पत्र भी सौंपा गया। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष और शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख ने मंदसौर जिले में डेंगू के बढ़ते हुए मामले देखते हुए स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने की मांग भी की है। श्री शेख ने मदारपुरा के एक 13 वर्षीय बालक की मौत के मामले में जिला चिकित्सालय स्टाफ की गलती का जिक्र करते हुए मामले की जांच करने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने डेंगू इलाज के दौरान ब्लड बैंक में स्टाफ बढ़ाए जाने और अन्य मांगे सीएमएचओ के समक्ष रखी। शहर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष श्री अजय लोढ़ा ने मंदसौर जिले में डेंगू के आंकड़े बड़ी संख्या में होने का दावा करते हुए कहा कि जिला चिकित्सालय में उपचार की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण अन्य निजी चिकित्सालयों में उपचार करवाया जा रहा है। जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलना बहुत जरूरी है। जिला कांग्रेस प्रवक्ता श्री सुरेश भाटी ने मंदसौर जिले के निजी चिकित्सालयों में आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलने का मामला भी उठाया। उन्होंने मंदसौर नगर के सिद्धिविनायक, अजय हॉस्पिटल और पमनानी हॉस्पिटल के अनेक मामलों का जिक्र करते हुए प्रभावी निर्देश जारी करने की मांग की है। चर्चा के दौरान साइकिल स्टैंड संचालक द्वारा मनमाने तरीके से राशि वसूलने और आम नागरिकों के साथ अभद्रता करने सहित अनेक मामले भी उनके समक्ष रखे। इस दौरान सुनील बसेर, सादिक गौरी सहित अनेक कांग्रेस जन उपस्थित थे। निष्क्रिय सीएमएचओ सीएस पर डालते रहे मामले। प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान मंदसौर जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी श्री KL राठौर निष्क्रियता का परिचय देने से बाज नहीं आए। उन्होंने चर्चा के दौरान जिला चिकित्सालय से जुड़े मामलों में स्वयं दायित्व लेने की बजाय फोन लगाकर सिविल सर्जन को समाधान हेतु कहते दिखाई दिए, व्यवस्था सुधारने की बजाय जन जागृति का रोना रोया। शहर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा मांग पत्र पर प्रस्तुत करने और कार्यवाही की मांग पर सीएमएचओ द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने की बजाय आम नागरिकों को जागरूक करने पर ज्ञान देते दिखाई दिए। इस दौरान कांग्रेस जनों ने उनसे जन जागृति हेतु स्पीच देने की बजाय स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने का आग्रह भी किया है। मंडल जो है ज्ञापन देने आए हैं और उनने जो है मंदसौर जिले में जो है डेंगू का जो प्रकोप चल रहा है उससे रिलेटेड उन्होंने कहा है कि ये जल्दी जल्दी कंट्रोल हो जाए, इसके लिए जो है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग है ना कार्रवाई करें। दूसरा उनने जो है जिला अस्पताल की समस्याओं को लेके भी बात बताई है कि यहाँ पे जो है मरीजों को है ना बिना इलाज के जो है रिफ़र कर दिया जाता है जबकि यहाँ इलाज हो सकता है। प्लेटलेट्स के मामले में भी उन्होंने बताया है कि वहाँ पे रसीद काटने वाले रिश्वत लेते हैं। साइकिल स्टैंड में भी जो है अव्यवस्थाएँ हैं उसके बारे में भी बातचीत करी है। और शहर में प्राइवेट अस्पताल जहाँ भी आयुष्मान जो
भारत के तहत निःशुल्क सेवा दी जाती है, उसमें भी जो है डेंगू के मरीजों का जो है निःशुल्क इलाज नहीं किया जा रहा है, इसके लिए हमने जो है ज्ञापन के द्वारा अवगत कराया है। इसके लिए हम सारे आयुष्मान से संबद्ध हॉस्पिटल है उनको हम एक नोटिस देंगे कि ये बीमारियां जो आपने जो है चिन्हित करी है इनका जो है इलाज आप निःशुल्क करें, किसी से पैसा नहीं लें, और सिविल सर्जन को भी एक लेटर देंगे कि वो अपनी व्यवस्थाएं सुधारें ताकि जो है आम पब्लिक परेशान नहीं हो। नहीं, आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जो जिस तरह से डेंगू और मलेरिया और जो फीवर जो मंदसौर नगर के अंदर फैल रहा है तेज गति से, और जो अव्यवस्था जिला चिकित्सालय में हम लोगों ने देखी है उसको रेखांकित करते हुए एक पॉइंट टू पॉइंट CMHO राठौर साहब से भी चर्चा करी और उनको बताया कि जिस तरह जिला चिकित्सालय में खाली एक रेफर सेंटर बन गया है, कोई भी मरीज आता है घंटे दो घंटे रखते और उसको रेफर कर दिया जाता। आज आम आदमी गरीब आदमी इतना त्रस्त है, परेशान है कि वो कहाँ से एक सामान्य व्यक्ति भी उदयपुर इंदौर कहीं भी ले जा। दूसरा, जिस तरह से डेंगू फैल रहा है और डेंगू को लेकर जिला चिकित्सालय में कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं करी गई है, एक सामान्य मरीज की तरह डेंगू के मरीज को डाल दिया जाता है, उसकी जो जांच रिपोर्ट है जो ब्लड रिपोर्ट आना चाहिए डेंगू की वो 24 घंटे के नहीं अंदर नहीं आ रही है, और जो नर्सें हैं जो स्टाफ है वो बराबर बराबर उन लोगों को ध्यान नहीं दे रही। ऐसे ही एक घटना राखी के दिन एक घटना घटी है, और जिस तरह से एक 13 साल का जो लड़का जाफर करके था मेरे सामने, मैं खुद अस्पताल में आया, डॉक्टर से चर्चा करना चाहिए कि इसको बीमारी क्या है, तो किसी ने कुछ नहीं बताई और आखिर में उन्होंने बस यही बोला कि आप रेफ़र कर दो, और सुबह से उसका ब्लड लिया लेकिन शाम तक उसकी रिपोर्ट नहीं। जब शाम को प्राइवेट हॉस्पिटल में जब लेके गए और उसकी रिपोर्ट आई तो उसको डेंगू था, और डेंगू में भी ब्लड रेट इतने कम हो गए थे कि आखिर में उसको रात को 9 बजे उसकी मृत्यु हो गई। और एक साइकिल ठेके में जिस तरह से अनियमितता है, वो जो निर्धारित दर है उस दर के अनुसार पेमेंट नहीं लेता है। हमने यही कहा कि एक दर लिस्ट लग जाए, लोगों को पता लगे कि क्या कितना पेमेंट इसका होना चाहिए। और एक आयुष्मान को लेकर बड़ी विरोधाभास है, कई प्राइवेट हॉस्पिटलों में लेकर आयुष्मान जो कार्ड है उसके द्वारा डेंगू के मरीजों का इलाज नहीं कराया जा रहा, और यदि कोई अगर व्यक्ति जाता भी है कि साहब तो उसको बड़ा अनकाने मन करते हैं और उसका डेंगू में इलाज के लिए संभव नहीं है और ऐसा कह के उसको टाल देते हैं। फिर आदमी परेशान होकर अपना प्राइवेट इलाज करता है और हज़ारों रुपये उसमें खर्च हो रहे हैं। एक टेक्नीशियन लाइब्रेरी और जिसमें जो लैब टेक्नीशियन है वहाँ भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है कि जो बेचारे ब्लड निकलाने के लिए ब्लड के लिए जब आते हैं और ब्लड डोनेट करने के लिए और उसको बाद जब डेंगू के मरीज को ब्लड चाहिए तो स्टाफ भी पर्याप्त नहीं है, एक ही व्यक्ति सारे काम कर रहा है, ये भी खुद हमने स्वयं आंखों से देखा है। तो ये सारी अव्यवस्था को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल मिला है और उनसे कहा है कि आप इन व्यवस्था को सुधारें, नहीं अन्यथा नहीं तो कांग्रेस जनहित में बड़ा आंदोलन करेगी। क्या आश्वासन दिया? नहीं, उन्होंने कहा जितने पॉइंट आप लोगों ने दिए हैं मैं संबंधित विभाग में चर्चा करके इसका निराकरण शीघ्र ही करूँगा।